हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनोमय रेसिपीज़। आज मनोमय रेसिपीज़ में हम लोग बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल काजू मसाला। ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाती है। इसका जो हम लोग मसाला बनाएंगे ना फ्रेंड्स, वो आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हो और रेस्टोरेंट स्टाइल की सब्जियाँ इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये इजी सी रेसिपी कैसे बनती है। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, ताकि आपको मेरी ऐसी नई नई इजी सी रेसिपीज़ देखने को जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल काजू मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मसाला पीस के तैयार करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 इलायची, छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ा सा जीरा। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी, ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के प्याज है जिन्हें मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया है, ये मैं डाल दूंगी। प्याज को हमें अच्छे से सौते कर लेना है 1-2 मिनट के लिए। प्याज सौते होते हुए 1 मिनट हो चुका है एंड इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब इस स्टेज पे इसमें हम लोग डाल देंगे 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक, जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब चाहिए तो इसके जगह पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के आसपास। इसे भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे ये 2 टमाटर है, मीडियम साइज़ के टमाटर है जिन्हें मैंने रफली चॉप कर रखा है, इसे डाल देंगे हम इसमें। टमाटर डाल के हम लोग इस पर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे ढक के पका लेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। इसे हमें ढक के पकाना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। इसमें हम डाल देंगे थोड़े से काजू, काजू आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, जिससे कि ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच बन जाती है। तो इसमें थोड़े से काजू यहाँ भी डाल देती हूँ मसाले में पीसने के लिए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और टमाटर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं, मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम जो है ये मसाले को ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसे अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से मैं इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेती हूँ। मसाला जो है उसे मैंने पीस लिया है अच्छे से। अब चाहे तो इसे छान भी सकते हैं, जैसे कि मक्खनी की ग्रेवी होती है एकदम स्मूथ, बट सिंस हम काजू मसाला बना रहे हैं इसीलिए मैंने इसे छान के नहीं लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम लोग तेल डाल देंगे। 2 चम्मच भर के मैं तेल डाल रही हूँ। तेल जैसे गर्म हो जाए हम इसमें 1 तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और उसके साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच भर के लाल कश्मीरी पाउडर। इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और ये जो मसाला है इसे हम लोग इसमें डाल देंगे। मसाले को हमें भून लेना है 1-2 मिनट के लिए। सिंस हमने ऑलरेडी सारा जो प्याज टमाटर है उसे भून लिया है, हमें इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का ही यूज़ कीजिए, जिससे कि है ना ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर आता है। जैसे रेस्टोरेंट्स में ये यूजुअली फूड कलर्स यूज़ किए जाते हैं, बट हम लोग तो फूड कलर्स अवॉइड करेंगे, इसलिए आप गर्म तेल में अगर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रेवी में बहुत सुंदर सा कलर आ जाता है। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है 1 मिनट के लिए। अब ये जो मिक्सी के जार में थोड़ा सा मसाला बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ले लिया है, ये पानी मैं इसमें यूज़ कर लूँगी और इसे भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है और मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और कस्तूरी मेथी।
कस्तूरी मेथी से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, और इसे भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट हो चुका है और अभी हम लोग इसमें डाल देंगे काजू। ये मेरे पास एक बाउल के आसपास काजू है, काजू के पीसेस मैं यूज़ कर रही हूँ, साबुत काजू नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे से टेस्ट नहीं देता है ग्रेवी में। तो काजू के टुकड़े मैंने यूज़ किए हैं। मैंने गर्म पानी में बस काजू को सोक करके रखा था एक 5 मिनट के लिए, जिससे कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए एंड ग्रेवी में वो बहुत अच्छे से टेस्ट करे। तो ये सारे काजू मैं इसमें डाल दूँगी और ग्रेवी को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। आपके हिसाब से जिस तरह से आप खाना पसंद कर रहे हो, रोटी के साथ, चावल के साथ, उस हिसाब से आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने टमाटर को गलाने के लिए थोड़ा सा नमक यूज़ किया था। तो आप थोड़ा सा सब्ज़ी को टेस्ट करके नमक उस हिसाब से ऐड कर लीजिए। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसे सिम गैस पे ढक के रख दूँगी सिमर होने के लिए एक 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं और सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक चुकी है। एक बार मैं इसे स्टर कर लूँगी अच्छी तरह से और फाइनली हम लोग जो है इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जो है गरम मसाला इसके ऊपर से, और इसे एक स्टर देके हम लोग जो है इसमें डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। ये मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ की है, आप चाहे तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच भर के हम लोग इसमें क्रीम डाल देंगे और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक मिनट के लिए हम लोग इसे वापस ढक देंगे ताकि गरम मसाला का फ्लेवर जो है वो सारी करी में अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर इसे बंद करके हम लोग प्लेट कर देंगे। ये फ्रेंड्स रेस्टोरेंट स्टाइल काजू मसाला जो है उसे मैंने प्लेट कर दिया है। आप भी जाइए और फटाफट से ये इजी सी रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी काजू मसाला की रेसिपी कैसे बनी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी रेसिपीज़ को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, खुश रहिए। बाय।